नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको हनुमान जी की माता के बारे में एक रोचक घटना बताएंगे कि हनुमान जी की माता से ऐसी क्या भूल हुई जिसकी वजह से उन्हें तपसरा से वानरी बनना पड़ा। इस रोचक घटना को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थली नामक इंद्र लोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का ये आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो अनसुना कर वैसा ही करते रहे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं, तो कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी सादत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का ये परिणाम वो सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल जो हो चुकी थी उसके कारण वो शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्ता के कारण मैं ये भूल अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य ना था। कृपया बताइए, अब आपके इस शाप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा फसीजे और बोले कि अपनी चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी और प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी और बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा और रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन और रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, परंतु उनकी बाल क्रीड़ाओं से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी और उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वो बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन ये बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद माता सीता के हरण के बाद उनकी खोज के समय इन्हें याद दिलाने पर सारी शक्तियाँ याद आ गई थी और इसी अपार बल के कारण ये सागर भी लांघ गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।